थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी सुर संग्राम में 2023 के, और जहां मुझे जहां मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट बनी, और हमके ये सौभाग्य मिलल कि हम निरहुआ सर के टीम से अकेले आगे बढ़नी, और सुर सिंघम के हमके खिताब मिलल वैजा, और टॉप फोर में हम अपन जगह बनौनी, और उसके सम्मान में मुझे निरहुआ सर के तरफ से बहुत ही प्यारा सा तोहफा मिला। सनी शाह सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने यूपी का मान सम्मान बढ़ा कर रखूँ और आगे बहुत अच्छे अच्छे काम करती रहूँ। और बस ये कहल चाहता नहीं कि निरहुआ सर के एगो बात हमके याद बा, वो हमेशा हमके कहत रहने हैं कि ना केहू अटल बा ना केहू आटी, और हमेशा चलिए सुर की लाठी देवरिया यूपी से अनामिका त्रिपाठी। तो के बदले में हमके बहुत प्यारा सा सम्मान मिलल बा राशि के, तो आइए हम ये बिल्कुल दिखाना चाहेंगे आप सभी को। सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच निरहुआ सर, हमारे इंडस्ट्री के जुबली स्टार, सुपर स्टार, और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मतलब ऐसा व्यक्तित्व के धनी बहुत कम मिलते हैं, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनकी टीम से प्रतिनिधित्व कर रही थी। थैंक यू सनी जी। कोई संदेश दिनेश जी का? दिनेश जी का हम हमेशा सम्मान करते हैं कि दिनेश जी कोई भी कलाकार हो, उन्हें हमेशा एक अपना कलाकार के तौर पे भी सम्मान करते हैं। जो सुर संग्राम में उन्होंने कमिट किया था कि एक सम्मान इनको दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि सनी जी आप मिल के उन्हें दे दीजिए। थैंक यू सर। मेरा बड़प्पन है कि सर मुझे मुलाकात हो सर हमने को सम्मान। सर पटना में सुर संग्राम के फिनाले शो में किए थे, आज हम मुंबई में हैं। दिनेश जी भी आजमगढ़ में शूटिंग। सुर संग्राम का सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारा हमें ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि एक साथ इतने सारे स्टार्स के साथ, और भोजपुरी के कहा जाए तो चार स्तंभ जिन्होंने भोजपुरी को एक पड़ाव पिलाकर खड़ा किया है, जिसको बोलते हैं कि हाँ आज पहचान दुनिया में मिली है, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है साईं बाबा टेलीफिल्म्स, गजेंद्र सर, अशोक सर, और पूरी टीम को, भोजपुरी सिनेमा, मनीष सर और विनय सर, राज सर। और इसके बाद मेरा सौभाग्य था कि हमारे निरहुआ सर, कल्पना मैम, पवन सिंह, मनोज सर, इन सबके सामने मुझे 24 एपिसोड्स करने का मौका मिला, और लास्ट तक मैं डटी रही और अड़ी रही। और सबसे बड़ा कंपटीशन फील ये हुआ कि चार तीन तीन लड़कों के साथ एक अकेली लड़की फिनाले तक लड़ी, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। एक राउंड में हमारी अक्षरा सिंह जी आई थी, पवन सिंह जी भी पांच एपिसोड्स में थे पवन सिंह जी, और शुभी शर्मा थी, और चॉकलेटी एक्टर हमारे चिंटू भैया, और वो तो बहुत ही हम लोगों को प्रोत्साहित किए पूरे एपिसोड्स में, एक एनर्जी देते थे, बहुत सारे कलाकार आए थे। ऐसा क्या चीज़ है जो हर दर्शकों के लिए या हर आम पब्लिक के अंदर घुल मिल के रहते हैं, आपने कुछ सीखा उनसे? मैंने उनसे बस ये सीखा कि इंसान जितना ऊंचा जाए ना उतना झुका हुआ होना चाहिए, और ये सबसे बड़ी पहचान थी सर की। सर के साथ जब भी मिलते थे हम तो एक अलग से पावर देते थे, और यही कि डाउन टू अर्थ रहकर, मतलब धरती से जुड़कर, और फिर आगे बढ़ते जाओ तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। क्योंकि मैं सुर संग्राम में ही थी तब मेरे मन में ऐसा आया था कि मेरी मंजिल तो मुझसे थोड़ी ही दूर है, मेरी मंजिल तो मुझसे थोड़ी ही दूर है, लेकिन तुझे पाऊंगी ये तो श्योर है। दिनेश जी का मेरा अपना मानना है कि किसी के भी साथ दिल से प्यार करते हैं, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे वो बड़ा, उसके सम्मान सभी के साथ, इसीलिए वो दिल से बहुत अच्छा है। ये मेरा थैंक यू सर। थैंक यू सो।